फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा यूएन की राजदूत हैं। उन्होंने जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री की पहल की तारीफ की। हम लोग इस समय यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स पे हैं। क्लाइमेट समिट, एक बहुत बड़ी यहां पर समिट हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे बड़े नेताओं में होंगे जो भारत आगे क्या करेगा ये बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ हैं दिया मिर्जा। दिया, आप यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पर। दिया, आपकी यहाँ क्या भूमिका रहेगी? आई थिंक तीन फोल्ड रहेगी। एक तो मैं शुरुआत में कहना चाहूँगी ये कि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर्स में से एक लीडर है जिन्होंने इंडिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स मुक्त बनाने की घोषणा की है। उन्होंने ये कमिटमेंट 2018 में की थी, अभी तो मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने वापस इस घोषणा को दोहराया और उम्मीद ये है कि अक्टूबर 2 जो गांधी जयंती है उस दिन से ये बहुत बहुत प्रगति से इम्प्लीमेंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम 100 गीगावाट्स बनाएंगे भारत में 2022 तक। लिक्विड एलएनजी हम ले रहे हैं अमेरिका से। क्लीन एनर्जी एक बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन क्लाइमेट एक्शन, लेकिन उसके साथ साथ बहुत दूसरी भी एरियाज़ है जिन पे हमको फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं कुछ भी हो, हकीकत ये है कि क्लाइमेट इमरजेंसी है और इसके वजह से जो बाढ़ होते हैं या ड्राउट होता है या फ्लैश फ्लड्स होते हैं, इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और इससे बहुत लोगों को बहुत गहरे नुकसान हो रहा है इसके वजह से। तो ये नुकसान को कम करने के लिए, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत बहुत प्रगति से और बहुत जल्दी इनोवेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशंस लाने पड़ेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।